बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्काई हॉक्स अकेडमी इज प्रेजेंटिंग मैथमेटिक्स टेस्ट। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड सिमेट्रिक, आइडेंटिकल, स्क्वायर मैट्रिक्स या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका जब ट्रांसपोज लिया जाए तो वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो इसको कहा जाता है एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट इज जनरली एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है, नंबर से, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स या बोथ ए एंड सी। ज़्यादातर इनको बोथ ए एंड सी, नंबर्स या स्मॉल लेटर्स से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वी कैन सबट्रैक्ट टू मैट्रिसेस ए एंड बी। दो मैट्रिसेस आपस में सिर्फ तभी सबट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनके एलिमेंट सेम हो, रोज सेम हो, ऑर्डर सेम हो या कॉलन सेम हो, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है इन रियल नंबर्स एडिटिव आइडेंटिटीज़। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है ऐसा नंबर जो किसी में प्लस करो और उस नंबर में कोई फर्क ना पड़े। 1, 3, 0 या -1, 0, जिसमें भी प्लस करो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट है इफ़ ए बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखें रिलेशन चेंज हो रहा है, हमेशा याद रखना है रिलेशन चेंज होने को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्रेमर रूल, एसोसिएटिव लॉ, कॉमुटेटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एसोसिएटिव, रिलेशन चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है लॉ विच डज नॉट होल्ड इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इनवर्स लॉ या कॉमुटेटिव लॉ। कॉमुटेटिव का मतलब होता है चेंज प्लेस, ऐसा जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पर नहीं आता। ए मल्टीप्लाई बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, इट इज़ कॉमुटेटिव। नेक्स्ट है अगर ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए हो तो क्या होगा, अभी मैंने बताया था स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लेट्स सी द ऑप्शंस। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी इट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए ट्रांसपोज ए होता तो सिमेट्रिक होता, ये इसका डी ऑप्शन है, स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट है हमारे पास अ पेयर ऑफ इक्वेशन टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड सिंपल इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर्ड इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से ये दो इक्वेशंस होती हैं जिनसे हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ज़ीरो नहीं है तो सिंगुलर है, स्क्वेयर है, नॉन सिंगुलर है या आइडेंटिकल है। नॉन सिंगुलर है, अगर ज़ीरो होगा तो सिंगुलर, नहीं है तो नॉन सिंगुलर। अ स्केलर इज डिनोटेड बाय एन, आर, के या ए। स्केलर किससे डिनोट होता है। दिस वॉज अ प्रेजेंटेशन बाय डिजिटल स्टूडियो ऑफ स्काई हॉक्स अकेडमी। डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर फेसबुक पेज, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप।